حي على الصلاة إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها النبي قل لأزواجك إن كن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معزز السامعين حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفات حمد و ستائش عظمتوں کی بریائی تحمید و تقدیس اس خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انس و جا کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک مربی اور پالنہار ہے بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور وعدے کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین خطبہ مسنونہ کے بعد
मैंने आपके सामने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 59 की तिलावत की है। इस मुनासिबत से आज का जो मेरा मौजू है बहुत ही अहम और बहुत ही हसास मौजू वो ये है, पर्दा शरीयत की नज़र में। इस्लामी भाइयों, औरत कुदरत का एक ऐसा राज है जिस पर मुत्तला होने का हक सिर्फ उसी को हासिल है जो रब की तरफ से मजाज गर्दाना गया हो। यानी औरत का अदना से अदना जुज भी किसी अजनबी के सामने ज़ाहिर करना, किसी गैर के सामने ज़ाहिर करना, ये कुदरत के साथ एक बहुत बड़ी खयानत होगी। दो लाइन में मेरे मौजू का पूरा निचोड़ आपके सामने मैंने रख दिया। दो लाइन पर अगर आप गौर करेंगे, जो दो लाइन अभी मैंने आपके सामने बयान की है, क्या कहा, कुदरत औरत कुदरत का एक ऐसा राज है जिस राज पर मुत्तला होने का हक सिर्फ उसी को हासिल है जो रब की तरफ से मजाज गर्दाना गया हो, और उस राज को यानी औरत के अदना से अदना जिसको किसी गैर के सामने, किसी अजनबी के सामने ज़ाहिर करना, ये कुदरत के साथ एक बहुत बड़ी खयानत होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो शरीयत दी है और उस शरीयत के अंदर जो उसूल और क़ानून बनाया है और हमें जो उसूल और क़ानून दिए हैं और ये कहा है कि आपको इस काम से बचना है, ये काम शरीयत में हराम है, नाजायज़ है, ये काम शरीयत के अंदर अगर कोई करता है तो वो मुजरिम होगा, गुनहगार होगा, तो याद रखिए उस शरीयत के हराम करदा पीछे के उसूल के पीछे कोई ना कोई इल्लत, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगी। अगर किसी चीज़ को शरीयत ने हराम करार दिया, नाजायज़ करार दिया, तो उसके पीछे इल्लत और रीज़न कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है, इसलिए शरीयत ने उसको हराम करार दिया। जैसे शरीयत ने तस्वीर को हराम करार दिया, तस्वीर कशी को शरीयत ने हराम करार दिया। क्यों? इसलिए कि तस्वीर कशी से क्या होता है, तस्वीर कशी से बुत परस्ती वजूद में आती है, शिर्क का वजूद होता है, सूरत परस्ती को देख करके इंसान शिर्क करता है, और दुनिया के अंदर जो सबसे पहले शिर्क वजूद में आया वो सूरत परस्ती की वजह से आया। इंसान का कोई बाप दादा मरा या समाज के अंदर कोई बड़ा आदमी उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसकी शक्ल व सूरत बनाई, पिक्चर बनाई, तस्वीर बनाई, उसको घर में रखा, उसको एक घर में रखा, एक कोने में रखा और उसकी इबादत और परस्तिश करने लगे। इसीलिए इस्लाम ने कहा सूरत परस्ती, तस्वीर कशी हराम है। इसी तरीके से शराब को इस्लाम ने हराम करार दिया। शराब को इस्लाम ने हराम क्यों करार दिया, उसके पीछे इल्लत और रीज़न क्या है, उसके पीछे इल्लत और रीज़न ये है कि शराब नोशी के अंदर क्या है, नशा है। नशा ये इल्लत है, रीज़न है। अब ये नशा जिन जिन चीज़ों में पाया जाएगा, चाहे वो चीज़ें ज़माने नबवी के अंदर रही हो या ना रही हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो चीज़ मौजूद रही हो या ना रही हो, अगर उस आज वो चीज़ है और अगर उन चीज़ों के अंदर नशा, वो इल्लत जो इल्लत अल्लाह के नबी के ज़माने में थी, अगर वो इल्लत आज भी है तो याद रखिए वो चीज़ हराम हो जाएगी। जैसे आज के दौर में हशीश है, हशीश अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था लेकिन आज हशीश के अंदर नशा है, आज के ज़माने में गांजा मिलता है, गांजा के अंदर नशा है, इल्लत वही है जो अल्लाह के नबी के ज़माने में थी। लिहाजा जो जिन चीज़ों के अंदर नशा होगा, इल्लत जो नबी के ज़माने में थी, अगर वो इल्लत आज भी मौजूद रहेगी तो याद रखिए वो चीज़ें हराम हो जाएंगी। वो चीज़ें क्या होंगी,
अब जो जो मंशियात है, जो जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर नशा पाया जाता है, तो याद रखिए वो चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम है। अब आइए देखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपर्दगी बेहिजाबी को हराम करार क्यों दिया और ये कहा कि बेपर्दगी बेहिजाबी ये इस्लाम के अंदर हराम है। क्यों, इल्लत क्या है, रीज़न क्या है? इंसिदाद फहश, बुराई से रोकना, बुराई से लोगों को रोकना, औरतों को रोकना, इसलिए बेपर्दगी को बेहिजाबी को इस्लाम ने हराम करार दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को हराम से, बुराइयों से रोकता है। कुरान ने कहा इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को बेहयाई से, बुरे कामों से, मुनकरात से रोकता है। मेरे भाइयों, आज बेपर्दगी हराम इसलिए कि बेपर्दा होने की वजह से अगर हमारी माएँ और बहनें बेपर्दा बाजारों में, बेपर्दा औरतों बेपर्दा रोडों पर अगर घूमती हैं तो बुराई आम होगी, बुराई का जो है जहूर होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहयाई से, बुराई से रोकने के लिए बेपर्दगी को हराम करार दिया। मेरे भाइयों, बेपर्दगी के पीछे क्या है इल्लत, रीज़न क्या है? बुराई से रोकना। अब आपको एक अहम बात बताऊं, बहुत ही नुक्ते की बात है, जो बेहया होगा वो बेअक्ल होगा। बेहयाई बेअक्ली की दलील है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, आप एक जानवर को देखते हैं, जो जानवर खुल्लम खुल्ला रोडों पर गलत काम करता है वो किसी को देखता नहीं है। क्यों? वो बेअक्ल है, उसके अंदर अक्ल नहीं है। अगर अक्ल होती तो वो गलत काम खुल्लम खुल्ला नहीं करता। तो मालूम यह हुआ बेहया वो होता है जो बेअक्ल होता है। बेअक्ली की दलील बेहयाई है, बेहया के अंदर अक्ल नहीं होती है, और जो हयादार होता है वो अक्लमंद होता है। मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई को बेअक्ली से जोड़ा है कि बेहया आदमी, बेहया औरत वो बेअक्ल होती है, उसके पास अक्ल नहीं होती है, और जो हयादार होता है वो अक्लमंद होता है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, आज हमारे समाज और माशरे में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बुराई को तरवीज देते हैं, बुराई को बढ़ावा देते हैं, बुराई को आम करते हैं, बुराई को फल और फूल देते हैं, बुराई को आम करने के दर पे लगे रहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, जो मर्द और औरत समाज के अंदर बुराई को आम करेंगे, बुराई को फैलाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह नूर के अंदर ऐसे लोगों के बारे में वईद नाजिल फरमाई और कहा, क्या कहा, इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशीअ अल्फाहिशतु फिल्लज़ीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाया, जो लोग मुसलमानों की बस्ती में, मोमिनों के समाज में और मोमिनों के माशरे में बुराई को फैलाते हैं, बुराई को आम करते हैं, बुराई को आम फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर दुनिया के अंदर भी अज़ाब नाजिल होगा, आखिरत के अंदर भी अज़ाब नाजिल होगा। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, बुराई को फैलाने वाला दुनिया के अंदर भी मुजरिम है और आखिरत के अंदर भी मुजरिम है, दुनिया के अंदर भी गुनहगार है और आखिरत के अंदर भी गुनहगार है। मेरे भाइयों, इसीलिए इंसान को बुराई से बचना भी चाहिए और बुराई को फैलाने से भी अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि हम उस आदमी, उस चीज़ के रुकन बन जाएं और उसका एक हिस्सा बन जाएं कि जो लोग बुराई को फैला रहे हैं उनके साथ हम भी शरीक हो जाएं। दुनिया के अंदर भी रुस्वाकुन हमारे लिए अज़ाब होगा और आखिरत के अंदर भी रुस्वाकुन अज़ाब होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन बंदों को खिताब करते हुए फरमाया था वकुल लिल मुमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यसनाउन। ऐ मेरे मोमिन बंदों, ऐ नबी, आप अपने मोमिन बंदों से, अपने मोमिन उम्मतियों से, अपने उम्मती से खिताब कर दीजिए, कह दीजिए कि ऐ मेरे मोमिन साथियों, अपनी निगाहों को नीची रखा करो, जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी
نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، یغدو من ابصارہم ویحفظو فروجہم، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، اگر نگاہوں کو نیچی رکھو گے، شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے۔ صرف مومنوں کو خطاب نہیں کیا، مردوں کو صرف خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت کے اندر عورتوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے میری امت کے، اے میرے مومنہ بندیوں، تم بھی کان کھول کر سن لو، تم بھی جب چلا کرو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اپنے شرم گاہ کی حفاظت کیا کرو۔ مومن بندوں سے بھی خطاب ہے اور مومن بندیوں سے بھی خطاب ہے، دونوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب راستے میں چلو تو کیا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، دونوں کے لیے ضروری ہے، جہاں ایک طرف مردوں کے لیے ضروری ہے، وہی دوسری طرف عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، کہ جب راستے پر چلے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں اور دونوں پہیوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مثالی سماج چاہتے ہیں، اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، برائی سے پاک معاشرہ چاہتے ہیں، تو دونوں کا صحیح ہونا بالکل ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ایک یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کیا پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، پردے کا یعنی چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت صرف اپنے جسم کا پردہ کرے گی، چہرے کا پردہ نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ چہرہ جو زینت کی جگہ ہے، چہرہ جو اصل محل ہے زینت کا، اگر اس کو پردے سے ہٹا دیا جائے تو پھر پردہ کیا باقی رہ جاتا ہے، پردہ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ آپ غور کیجئے، چہرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ چہرہ شروع ہوتا ہے گردن سے۔ گردن میں عورت ہار پہنتی ہے، زینت کی چیز ہے کہ نہیں؟ اور ناک میں عورت نتھنی پہنتی ہے، یہ بھی زینت کی چیز ہے۔ اور کان میں عورت بالی پہنتی ہے، یہ بھی زینت کی چیز ہے۔ عورت سراپا زینت کی چیز ہے، چہرہ اس کا اصل زینت کا محل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کہیں پر رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر لڑکی کو دیکھنا ہوتا ہے، لڑکی والا اگر یہ کہے نہیں میں چہرہ نہیں دکھاؤں گا، لڑکی کا ہاتھ دیکھ لو، پیر دیکھ لو، کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ کیا آپ دیکھنے سے مطمئن ہوں گے؟ رشتہ طے کریں گے نہیں کریں گے؟ لیکن اگر لڑکی والا صرف لڑکی کا چہرہ دکھا دیا تو بہت حد تک آپ مطمئن ہو جائیں گے اور آپ رشتہ کر بھی سکتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا، یہ چہرہ عورت کا زینت کی، عورت کی زینت کی چیز ہے، پردے میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردہ ہے، عورت سراپا پردہ ہے، چہرے سے لے کر پیر تک عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، فإذا خرجت استشرف الشیطان، اور جب عورت باہر نکلتی ہے، گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، تو شیطان اس کے تاک میں بیٹھا رہتا ہے، شیطان اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، شیطان اس کو خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جو نوجوان درندوں کی شکل میں باہر بیٹھے رہتے ہیں، جو دیکھنے کے لیے باہر بیٹھے رہتے ہیں، وہ اس لڑکی کو جو بے پردہ باہر نکلتی ہے، شیطان اس کو مزین کر کے، اس کو خوشنما بنا کر کے، بہترین بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، عورت سراپا پردہ ہے، المرأۃ عورتن، عورت کا مطلب ہی ہے پردہ، عورت سراپا پردہ ہے، عورت کلی طور پر اس کو پردے میں رہنا ہے۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، آج معاشرے کے اندر برائیوں کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے شکلیں ہیں۔ آج میں خطبہ جمعہ میں آپ کو کچھ شکلوں کی نشاندہی کروں گا، کیوں، اگر پورے شکلوں کی، پورے نکات کی طرف بات کرنا جاؤں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، اسی لیے اہم نکات کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر قدم نہ نکالے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں،
बहुत सारे लोग, बहुत सारी माएँ और बहनें पर्दे में बाहर निकलती हैं लेकिन अंदरूनी हालात उनके बहुत ख़राब हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, कज़िन भी आ रहा है, खलेरा भाई भी आ रहा है, दोस्त भी आ रहा है, फला दोस्त भी आ रहा है, सब खेले, दरवाज़ा खुला है और सब आकर के घर के अंदर गपशप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, शरीयत हमारी इतनी हसास है, इस्लाम का उसूल इतना हसास है, इतना सख्त है कि इस्लाम ने जब देखा कि औरत की आंख खयानत कर सकती है तो औरत के चेहरे को पर्दे में शामिल किया, जब इस्लाम ने देखा कि कान खयानत कर सकता है तो औरत के पाजेब को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, और औरत को जब देखा कि औरत की नाक खयानत कर सकती है, मर्द की नाक खयानत कर सकती है, तो औरत को हुक्म दिया कि वो खुशबू लगाकर बाहर ना निकले। मेरे भाइयों, जब इस्लाम ने देखा कि औरत सरापा वो बुराई का अड्डा बन चुकी है, बेपर्दा बाहर निकल रही है, तो इस्लाम ने हुक्म दिया। कुरान कहता है وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, ऐ मेरी उम्मत के माओ बहनों, ऐ उम्मत की औरतों, तुम्हारे लिए घर में रहना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। घरों को लाजिम पकड़ो और जमाने जाहिलियत की तरह बनाओ, सिंगार करके घर से बाहर मत निकलो। अल्लाहू अकबर। इस्लाम ने जब देखा कि आँख खयानत कर सकती है तो औरत को चेहरे के पर्दे में शामिल कर दिया, इस्लाम ने देखा कान खयानत कर सकता है तो औरत को कहा तुम पाजेब की झनकार को बंद करो, औरत ने कहा मर्द के जब नाक खयानत कर सकते हैं तो औरत को कहा खुशबू लगाकर बाहर मत निकलो, जब देखा सरापा औरत बेपर्दा बाहर हो चुकी है तो इस्लाम ने कहा वकर नफी बुयू तिकुन वाला तबर्रजना, आए उम्मत की माँ और बहनों, तुम घर को लाजिम पकड़ो और जब तुम बाहर निकलो तो पर्दे की हालत में निकलो मेरे भाइयों, और ज़ेब व ज़ीनत करके बाहर मत निकलो। इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, तबर्रुज किसे कहते हैं? तबर्रुज इस आयत करीमा के अंदर क्या कहा गया? तबर्रुज ना तबर्रुजुल जाहिलियतिल उला, तबर्रुज मत करो। तबर्रुज कहते हैं सज धज कर बाहर निकलना, लिपस्टिक लगा कर बाहर निकलना, और ऐसा कपड़ा पहनना जिस कपड़े से इंसान औरत के पूरे तमाम जिस्म और आज़ाए जवारे तमाम के तमाम नशीब व फराद उसके नज़र आए, औरत बिल्कुल नंगी नज़र आए, ऐसा लिबास पहनना, ऐसे लिबास पहनने से इस्लाम ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, इसीलिए किसी शायर ने कहा था हामदा चमकी न थी जब इंग्लिश से बेगाना थी, हामदा चमकी न थी जब इंग्लिश से बेगाना थी, और जब वो शमे रोशन बनी तब कल तक वो चिराग खाना थी। आज जब इंसान ने, औरतों ने, हमारी माँ और बहनों ने, बेटियों ने जब इंग्लिश सीखा और इंग्लिश कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई तो आज वो बेपर्दा हो गई और पर्दे से वो आज़ाद होकर खुल्लम घूम रही हैं। मेरे भाइयों, ये बुराइयों का अड्डा बन चुका है और ये इसी तरह हमारी जो है बुराई हमारे समाज के अंदर आ रही है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, ऐ मेरे नबी आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीन और मोमिना औरतों को हुक्म दे दीजिए, कह दीजिए युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, जब वो बाहर निकला करें तो अपने ऊपर चादर का पल्लू लटका लिया करें, चादर डाल लिया करें। क्यों? जालिका देना अन्यो रफना, इसलिए कि जब वो हिजाब करके, जब वो पर्दे के अंदर बाहर निकलेगी, जब वो बुरका पहन कर बाहर निकलेगी तो सामने वाला इंसान पहचान लेगा ये कोई मुसलमान औरत आ रही है, ये बाहया औरत आ रही है, एक अच्छे घराने की औरत आ रही है, अल्लाह की नेक बंदी आ रही है। फला युज़ैन, तो लोग उसको तकलीफ़ नहीं देंगे, लोग परेशान नहीं करेंगे। मेरे भाइयो, गौर कीजिए, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातब करते हुए कहा अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, मुसलमान औरतों को हुक्म दे दीजिए कि वो जब भी बाहर निकले तो अपने ऊपर चादर का पल्लू लटका लिया करें। गौर कीजिए मेरे भाइयों, युदनीन अलैहिन्न, जब आप अरबी ग्रामर पढ़ेंगे आपको मालूम होगा यहाँ पर जो अला का लफ्ज़ है ना, अला का लफ्ज़ किसके माने में? इस्तेला के माने में। इस्तेला का मतलब होता ऊपर से लटकाना,
ऊपर से लटकाना, ऊपर से पर्दा नीचे आना चाहिए। आप सऊदी अरब वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का बुरका नज़र नहीं आता, इस तरह का बुरका वहाँ नज़र नहीं आता। वहाँ बुरका कैसा होता है, ऊपर से चादर लटकाते हैं, ऐसे पूरा चादर पूरा पैर तक रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि अंदर कुछ औरत पहनी है, यानी औरत का नसीब व फराज जाहिर ही नहीं होता, वो असल पर्दा है मेरे भाइयों, गौर कीजिए। और यहाँ पर जला बी बिहिन ना कहा गया, ये जिलबाब, इसका पिलुलल क्या है, जमा जिलबाब है, यानी इसका मतलब ये है कि औरत अपने ऊपर से चादर का पल्लू लटका ले, जब वो पर्दा ओढ़ करके नकाब पहन करके बाहर निकलेगी तो लोग पहचान लेंगे ये कोई और अच्छी औरत है, ये कोई नेक औरत है, ये अच्छे घराने की औरत है, तो उसको तकलीफ़ नहीं देंगे मेरे भाइयों। तो पहली चीज़ क्या हुई, औरत घर से बाहर निकले तो बिला ज़रूरत ना निकले, और निकले तो पर्दे के अंदर और बुरका पहन कर बाहर निकले। दूसरी चीज़ क्या है, जब औरत बाहर निकले तो रास्ते के एक तरफ से चले, बीच रास्ते में होकर ना चले। आज हमारी माँ और बहनों का क्या हाल है, जब रास्ते में जाती हैं, मार्केटों में जाती हैं, बाज़ारों में जाती हैं, तो बिल्कुल आदमी और मर्द और औरत बिल्कुल जो है मिल जाती हैं, धक्का मुक्की होती है, वहाँ पर समझ में नहीं आता औरत कहाँ है मर्द कहाँ है, ऐसा मिलाप मर्द और जन का इख्तलात हो जाता है। लेकिन गौर कीजिए सहाबे कराम के ज़माने को, हज़रत उसैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, नमाज़ पढ़ाकर आप निकलते हैं, सहाबियात भी नमाज़ पढ़कर निकल रही हैं, सहाबे किराम भी नमाज़ पढ़कर निकल रहे हैं, रास्ते में दोनों करीब करीब हो जाते हैं, सहाबा और सहाबियात बिल्कुल करीब हो जाते हैं, मिलने के करीब हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने देखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस तखिर ना आए औरतों की जमात, तुम अपने आप को पीछे करो, अपने आप को पीछे करो, तुम्हारी जमात पीछे हो जाए, मर्दों से अलग हो जाओ, अलैकुन बिहाफाती तरीक, तुम रास्तों के किनारे से चलो, एक साइड से चलो। मेरे भाइयों जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला कहा, यह हुक्म फरमाया, तो औरतें उसके बाद से ऐसे चलने लगी कि एक किनारे से चलने लगती। सहाबी कहते हैं कि उसके बाद से औरतें दीवार से चिपक कर चलने लगी, कभी कभी ऐसा भी होता कि सहाबी के कपड़े दीवार में फंसकर फट जाया करते थे, इतना साइड से इतना किनारे से औरतें चलने लगी। मेरे भाइयों गौर कीजिए, ये सहाबियात का हाल था कि एक रास्ते के एक किनारे से चलते, नबी का हुक्म आ जाता, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आने के बाद फिर वो दोबारा कुछ सोचते नहीं थे, नबी के हुक्म पर चलने की कोशिश किया करते थे। आज हमारी माँ और बहनों का हाल क्या है, आज मर्दों को रास्ता देना पड़ता है, औरतें सामने से आती हैं, बीच से आती हैं, मर्दों को रास्ता देना पड़ता है औरतों को। मेरे भाइयों यह हाल हमारा है, आज ज़रूरत इस बात की है, अगर बुराई से समाज को पाक करना है तो सबसे जरूरी इस बात की है कि औरतों को पर्दे में होना है और औरतों को रास्ते से किनारे से चलना है। तीसरी चीज क्या है, आज हमारी माँ और बहनें खुशबू लगाकर बाहर निकलती हैं, खुशबू लगाकर, और ऐसा ऐसा परफ्यूम आ गया है, ऐसा ऐसा खुशबू आ गया, इतर आ गया कि हमारी माँ और बहनें बगैर लगाए चलता ही नहीं, उनको चलता ही नहीं है, जब तक नहीं लगाएंगी जब तक वो रास्ते से गुजरती नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनों, पार्कों में जाने वालियों और बाज़ारों में घूमने वालियों, मेरी माँ और बहनों गौर से सुनो, आप मार्केट में जाती हो, बन संवर कर जाती हो, ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करके जाती हो, खुशबू लगा कर जाती हो, लेकिन याद रखो अगर आप मस्जिद में भी खुशबू लगा कर आती हो तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा, उसकी वईद कितनी बुरी है। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद की किताबुल अदब के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नमाज पढ़कर निकला, एक साबिया एक खातून नमाज पढ़कर निकलती है, खुशबू लगाई हुई थी, उसकी खुशबू मुझे महसूस होती है। मैंने पूछा मेरी बहन क्या तुमने इतर लगाया है, खुशबू लगाया है, तो उस खातून ने कहा हाँ हमने खुशबू लगाया है, इतर लगाया है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि सुनो मेरी बहन, अय मेरी बहन सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खातून, जो बहन, जो मेरी माँ अगर वो खुशबू लगाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने आती है, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती है, उसको चाहिए कि वो घर चली जाए और गुस्ल जनाबत करे, नापाकी का गुस्ल करे। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए मेरे भाइयों, खुशबू लगाकर कोई नमाज और बहन नमाज पढ़ने आती है, उसकी नमाज कबूल भी नहीं होगी और उसको घर जाकर गुस्ल जनाबत नापाकी का गुस्ल करना होगा। और यही नहीं, दूसरी रिवायत के अंदर सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगाकर बाज़ारों में घूमती है, मार्केटों में जाती है और इस तरीके से ख़रीदो फरोख करती है, तो वो सुन ले फहिया ज़ानियतुन, वो ज़ानिया है, वो बदकार है, बदचलन है, वो औरत अच्छी नहीं है, वो औरत बदकार है, वो औरत गुनहगार है। जो खुशबू लगा कर मार्केटों में, जो खुशबू लगा कर मस्जिदों में भी आती है, वो औरत बदकार है, वो ज़ानिया औरत है। मेरे भाइयों, आज खुशबू लगाती हैं, ऐसा ऐसा परफ्यूम हमारे समाज के अंदर आ चुका है कि औरतें लगा कर निकलती हैं। लेकिन अगर यही परफ्यूम, यही खुशबू एक औरत शौहर के सामने लगाती है, ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करती है, तो ये इसके लिए वाजिब और ज़रूरी है, ये उसके लिए सवाब का काम है कि वो खुशबू, वो ज़ेब व ज़ीनत जो बाहर करना चाहती है, वही ज़ेब व ज़ीनत अगर शौहर के सामने करती है, शौहर को खुश करती है, तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये ज़ेब व ज़ीनत औरतें बाहर नहीं, शौहर के सामने नहीं, बल्कि बाहर गैर मर्दों के सामने करती हैं, ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करती हैं। अरे इसका हकदार तो शौहर था आपका, शौहर को खुश कीजिए, शौहर के सामने ज़ेब व ज़ीनत कीजिए, जो लगाना है वो लगाइए, शौहर को खुश करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, ये उसका हक है, शौहर का हक है। मेरे भाइयों इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि औरत का, यानी हमारे समाज और माशरे के अंदर एक बुराई ये भी मौजूद है। वो बुराई क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी माँ और बहनें जो बेपर्दा बाहर निकलती है ना, उसको एक मिसाल से समझिए कि बेपर्दा बाहर निकलने वालों का अंजाम और हयादार औरत का मकाम क्या है। एक चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं, बड़े लोग भी खाते हैं, अगर उस चॉकलेट के पन्नी को आप खोल दीजिए तो क्या होगा? चूटी लगेगी, मक्खियाँ हमला करेंगी। लेकिन अगर उसी चॉकलेट की पन्नी को आप बंद रखेंगे तो मक्खियाँ हमला करेंगी, चूटी लगेगी नहीं। ऐसे ही बेपर्दा औरत अगर कोई है और बेपर्दगी के साथ निकलती है तो शैतान हमला करता है, दरिंदे वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमला करेंगे। जैसे खुली हुई चॉकलेट के ऊपर परिंदे, वो चूटियाँ हमला करती हैं, मक्खियाँ हमला करती हैं, ऐसे ही खुली हुई औरत के ऊपर भी शैतान हमला करता है। और अगर बंद चॉकलेट है तो उसके ऊपर कोई मक्खी, कोई चूटी हमला नहीं कर सकती है। ऐसे ही बंद अगर बुरके के अंदर औरत है तो उसके ऊपर कोई शैतान हमला नहीं कर सकता। और एक और मिसाल आपको देना चाहता हूँ, आज हमारे भाई, या आपके लिए भी ज़रूरी है, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, आज उन्हीं का मौजू था, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि आज हमारी आवाज़ ही नहीं पहुँच रही है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप अपनी बीवियों को पर्दे में रखिए, बच्चियों को पर्दे में रखिए। आज जो हमारी माएँ और बहनें गैरों के साथ शादी कर रही हैं, हमें अफसोस नहीं होता, शर्म नहीं आती हमें कि हमारी माएँ और बहनें आज धर्म परिवर्तन कर रही हैं, वो गैरों के साथ भाग रही हैं, गैरों के साथ शादी कर रही हैं। वजह क्या है? आज बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल दिया, बच्चियां रात के एक एक बजे तक, दो दो बजे तक बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं, दोस्त से बात कर रही हैं। ये किसका गुनाह किसके सर पर होगा? इसका जिम्मेदार सिर्फ माँ बाप है, इसके जिम्मेदार सिर्फ माँ बाप हैं। आज बच्चों को गुनहगार बनाने में, बच्चियों को बेपर्दा बनाने में आज माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। अगर बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, हयादार बनाना चाहते हैं, बच्चों को इज्जत वाली ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि माँ बाप उसकी हर हर सेकंड पर नज़र रखें, निगाह रखें, मेरी बच्ची कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, मेरे बच्ची के मोबाइल में है तो मोबाइल हाथ में है तो वो क्या देख रही है। ये माँ बाप के लिए ज़रूरी है। मेरे भाइयों, आज गौर कीजिए कि हम आधा किलो गोश्त लाते हैं ना, जब कुरैशी महल्ले से गोश्त लाएंगे तो क्या करेंगे, उसको खुल्लम खुल्ला ले आते हैं क्या, छुपा कर लाते हैं,
क्यों छुपा कर लाते हैं? ताकि चील कौवा उसको उड़ा ना ले जाए, है कि नहीं है? आधा किलो गोश्त छुपा कर लाते हैं चील कौवे के डर की वजह से। 100 में जेब में 500 की नोट है, उसको अंदर वाले जेब में रखते हैं। क्यों? कोई जेब कतरा हमारे जेब की सफाई ना कर दे। अगर रात में खाने के बाद एक रोटी बच जाती है, उसको हम छुपा कर ढक कर रख देते हैं ताकि कोई चूहा कोई बिल्ली उसको खींच कर लेके ना चली जाए या खा ना ले। गौर कीजिएगा, मैं बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। आधा किलो गोश्त छुपा कर लाते हैं, 100 के नोट को छुपा कर रखते हैं, एक रोटी जो बच जाती है उसको छुपा कर रखते हैं, जबकि ये तमाम चीज़ें भाग नहीं सकती हैं। और जो असल चीज़ है, क्या औरत 100 के नोट से भी गिरी हुई है? क्या औरत आधा किलो गोश्त से भी गिरी हुई है? क्या औरत एक रोटी से भी गिरी हुई है कि उसको छुपा कर ना रखा जाए? जबकि औरत के ऊपर अगर शैतान हमला करे तो औरत भाग सकती है। 100 का नोट नहीं भाग सकता, आपका आधा किलो गोश्त भाग नहीं सकता, आपका वो जो है एक रोटी भाग नहीं सकती। लेकिन औरत के ऊपर अगर उसकी नफ्सियाती चीज खराब हो जाती है, अगर शैतान हमला करता है, तो औरत भाग भी सकती है, आपके घर को छोड़ सकती है। और जो चीज भाग सकती है उसको नहीं छुपा कर रख सकते हम लोग? जो चीज भाग सकती है क्या उसको छुपा कर नहीं रखना चाहिए? बताइए मेरे भाइयों, क्या औरत बेपर्दे में रहने वाली चीज है? नहीं मेरे भाइयों। एक वाक्य आपको बताता हूँ। एक नौ मुस्लिम लड़की थी, जापान के अंदर पैदा होती है और फ्रांस के अंदर वो आली इल्म हासिल करती है, फ्रांस के अंदर आकर इल्म हासिल करती है, और उसका टॉपिक ही था पर्दे के ऊपर रिसर्च करना। वो मिस्र और सऊदी अरब जाती है, वहाँ जब जाकर पढ़ती है, देखती है तो मुसलमान हो जाती है। फ्रांस के अंदर उसने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल करती है, इस्लाम लाने से पहले उसका लिबास मिनी शर्ट और जो है पैंट था, यानी आधा कपड़ा उसका लिबास था। जब इस्लाम कबूल करती है, बुर्के को ओढ़ती है, जब अपने ऊपर चादर का पल्लू लटकाती है, तो क्या बोलती है मेरे भाइयों? गौर से सुनिए। माँ और बहनों को बेपर्दा रखने वालों, आप भी जिम्मेदार हो। बाप हो, आप भी जिम्मेदार हो। भाई हो, आप भी जिम्मेदार हो। समाज के लोग हो, आप भी जिम्मेदार हो। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के बच्चियों के ऊपर लगाम लगाएं, लगाम लगाएं। और मेरे भाइयों, वो खातून क्या बोलती है? जब मैं इस्लाम कबूल करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उस बुर्के को पहन करके कि आज मैं मलका बन चुकी हूँ, एक बादशाह की बेटी हूँ, आज मैं अपने आप को सेफ महसूस कर रही हूँ, आज मेरे जिस्म पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, वो खातून कहती है आज मुझे लगता है कि मेरी इज्जत की हिफाजत हो रही है, आज मेरा जिस्म महफूज है, गैर आदमी मेरे जिस्म को नहीं देख पा रहा है। और नहीं तो जब मैं मिनी शर्ट और स्कर्ट पहन रही थी, जब मैं आधा लिबास पहन रही थी, तो जो लड़की आधा लिबास पहनती है, नंगा लिबास पहनती है, वो लड़की इस बात की दावत देती है कि मर्दों, अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो आकर ले जाओ। लेकिन जो निकाब में रहती है वो कहती है कि मर्दों सुन लो, तुम ममनू हो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, मेरे पास सिर्फ मेरा शौहर ही आ सकता है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, गौर कीजिए। नंगा लिबास पहनने वाली माएँ और बहनें, सुने गौर से, आप गलत कामों पर लोगों को दावत दे रही हैं, लेकिन अगर आप हयादार हैं, आप अक्लमंद हैं, अगर आप पर्दे के अंदर रहती हैं, तो आप इस बात को दावत दे रही हैं कि पर्दे में रहने वालों के पास कोई गैर नहीं आ सकता, वही आ सकता है जिसको रब की तरफ से परमिशन मिली हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इसलिए जब बच्चियां छोटी हों उसे भी पर्दे के अंदर रखिए, आदत डलवाइए उसको, उसको भी बताइए कि बेटा लिबास मुकम्मल पहनना चाहिए। आज हमारा हाल क्या मालूम है? मर्द औरत की लिबास इख्तियार कर रहा और लिबास औरत मर्द की लिबास इख्तियार कर रही है। आज हमारे नौजवानों भाइयों का हाल क्या है? वो औरत बनना चाह रहे हैं, कान में बाली भी है माशाल्लाह, और इसी तरीके से चैन भी गले में है, हाथ में हाथ खड़ा भी है। क्या है नौजवानों, आपको अल्लाह ने मर्द बनाया, हाकिम बनाया है, आप औरत बनना चाहते हो? क्या आप औरत का लिबास पहन करके औरत बनना चाहते हो? और मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया कि लिबास को ऊपर रखें,
टखने से ऊपर पैंट पहने। आज जितने नौजवान मेरे सामने हैं, मैं उनसे ख़ास कर गुजारिश कर रहा हूँ, ये नबी की नबी का फरमान सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा असफला मिनल काबैन मिनल इज़ारिफ फिन्नार, जिस शख्स का टखने से नीचे पैंट पैजामा पतलून होगा उसका उतना हिस्सा जहन्नम में होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मर्द को टखने से ऊपर रखना है और औरत को अपना शलवार को जो भी चीज़ पहनती है उसको टखने से नीचे रखना है। आज हो क्या रहा है, औरत का लिबास ऊपर आया, मर्द का नीचे चला गया। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरी बात क्या होता है, क्या होती है, अगर समाज और माशरे में किसी गली में कोई दाढ़ी वाला आदमी चला गया तो औरत फौरन पर्दा करती है उससे, फौरन। अगर कोई सफाचट जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है अगर वो चला गया तो औरत समझती है तो हमारे ही तरह है, हमारा ही आदमी है, हमारे ही कैटेगरी का है, लिहाजा इससे पर्दा मत करो। मेरे भाइयों, इस दाढ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जीनत दी है, आपको मर्द बनाया है। आप कभी चिड़ियाघर में गए कि नहीं गए? चिड़ियाघर कभी गए बम्बई में या कहीं गए? आपने शेर को देखा कि नहीं देखा? शेर के चेहरे पर दाढ़ी होती है और शेर से पूरा जंगल डरता है, और शेरनी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती उससे कोई नहीं डरता। अल्लाह ने शेर बनाया हमको शेर, मर्द बनाया है मेरे भाइयों, मर्द का काम होता है। अल्लाह ने जो जीनत दी है उस जीनत को कायम रखिए, वरना याद रखिए मेरे भाइयों, दाढ़ी को कतरवाने वालों, दाढ़ी को सफा छट करने वालों, आप हज्जाम के यहाँ जाते हो, दाढ़ी बनवाते हो, आप क्या कहते हो मालूम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी शक्ल अच्छी नहीं बनाई, आए हज्जाम तू इस दाढ़ी को काट करके मेरी शक्ल अच्छी बना दे। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल पर हम उसकी शक्ल का एतराज़ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारी शक्ल बनाने नहीं आई? अय हज्जाम तू हमारी दाढ़ी को काट करके अच्छी शक्ल बनाई, रब ने शक्ल अच्छी नहीं बनाई है, तू अच्छी बना दे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चेहरे पर दाढ़ी आपको दी है उसकी कदर कीजिए, वरना अफसोस होगा जब मरने के बाद, जब कब्र में जाएंगे ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल ज़रूर करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, माँ और बहनों को पर्दा कराइए। और भी बहुत सारी बातें थीं लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, माँ और बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अदा फरमा दे, पर्दे में उनको जो इज़्ज़त मिलती है उसकी कदर करने की तौफीक अदा फरमा। हमारे समाज और माशरे में हमारी जो माएँ और बहनें बेपर्दा हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वो पर्दे के अंदर आ जाएँ, अल्लाह उन्हें शैतान के हमले से बचा ले, अल्लाह हमारी जो माएँ और बहनें जो दीन से दूर हैं उनको दीन से करीब कर दे। रब्बुल आलमीन हमारे समाज को एक मिसाली समाज बना दे, हम सबको मिलकर रहने की तौफीक अदा फरमा दे। जिसके दिल में कदूरत है, कीना कपट है, उसको निकाल दे, मुसलमान होने के नाते मोहब्बत पैदा करने की, मोहब्बत की मिठास को पैदा करने की हम सबको तौफीक अदा फरमा दे। और जो भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। हमारे समाज में जो लोग भी दुख और दर्द में परेशान हैं, हम सबको मिल करके उनके तकलीफ को दूर करने की हमें तौफीक अदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। रब्बुल आलमीन उनके कब्र को कुशादा कर दे। रब्बुल आलमीन उनके सवाल जवाब को आसान कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामला आजला अता फरमा दे। जिनके बच्चे परेशान हैं उनके बच्चों को परेशानी को दूर कर दे। रब्बुल आलमीन जो अपने कारोबार से परेशान हैं उनके कारोबार में अल्लाह तू बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको जिस तरीके से आज हम सब मिल करके आज तेरी बारगाह में बैठे हुए कुरान और सुन्नत की बात को सुन रहे हैं, अल्लाह हम सबको ऐसे ही जन्नत के अंदर भी बैठने की तौफीक अदा फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन।